इस देश और दुनिया के अंदर पेपर का अपना मत रहा है और आज जब सारे विश्व में प्रतिस्पर्धा का युग है, नई तकनीकी का युग है, उस समय हमारे देश के अंदर पेपर उद्योगों को एक नए प्रतिस्पर्धा के युग में संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत देश जहां आबादी के रूप में हम विश्व के सबसे बड़े देश हैं, पर्यावरण की शुद्धता की ओर भी भारत ने नए कदम उठाए हैं, लेकिन उस सब के बाद भी आज यहां पर हमें हर उद्योगों में अपनी प्रतिस्पर्धा की नए संघर्ष को करने की आवश्यकता है, और इसीलिए यहां पर पेपर मिल के पदाधिकारी भी हैं, ट्रेडर्स भी हैं, संपूर्ण देश के अंदर 10,000 से ज्यादा और लाखों लोग अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इस ट्रेड से जुड़े हुए हैं। यहां पर आज देश भर के कई हिस्सों से पेपर ट्रेडर से जुड़े लोग यहां पर आए हैं, मिलके पदाधिकारी भी आए, मैं उन सबके बीच में आकर उनको बधाई देता हूं कि आपने इस प्रतिस्पर्धा के युग में नई तकनीकी का उपयोग करते हुए इसकी सफलता की ओर बढ़े हैं। इस एसोसिएशन को 35 वर्ष हो गए और 35 वर्षों से यह संस्था ट्रेडर्स की, व्यापारियों की समस्याओं का एक मंच है, जो आपकी समस्याएं, आपके मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। अभी आपके अध्यक्ष गोयनका जी ने विस्तार से इससे जुड़ी हुई समस्याएं, मुद्दों को आपके बीच में रखा है। मैं भी कोशिश करूंगा जो मुद्दे, जो समस्याएं आपने रखी है, मैं सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा। ऐसे तो लोकसभा में मेरा काम सुनने का है, देश भर से सभी आए माननीय सदस्य जो अपने अपने क्षेत्र से आते हैं, उनकी समस्याएं, उनके अभाव, उनके मुद्दों को सुनने का काम, दायित्व आपने मुझे दिया है, लेकिन उन सब के बीच में भी मेरी समाज के प्रति भी जिम्मेदारी हो जाती है कि इस देश का व्यापारी, इस देश का उद्योगपति जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, हम हमारे देश को आर्थिक रूप से तेजी की ओर मिले जाएंगे। हमारे देश के अंदर व्यापारी उद्योगों का बहुत बड़ा योगदान, अगर हम भारत के अंदर तेज गति से हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्थिर मजबूत अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, तो हमें देश के अंदर ट्रेडर्स, व्यापारी, उद्योगपति, लघु उद्योगपति, मध्यम उद्योगपति सबका सम्मान करना। मुझे कई बार लगता है कि हम सब जानते हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था में आप सबका बड़ा योगदान है। इस देश के अंदर टैक्स देने के रूप में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए मैं बीच में आपके बीच में इसलिए आता हूँ कि आपका सम्मान बढ़े, आपका विश्वास बढ़े, आपका भरोसा बढ़े और देश की जनता
भी आपके प्रति विश्वास भरोसा बढ़े कि आप देश के अंदर टैक्स के रूप में देते हैं, समाज सेवा का भी काम करते हैं और रोजगार देने का भी काम करते हैं।